हाय एवरीवन, स्वागत है भाइयों आपका आज की नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ निक्सन का जो फेसलिफ्ट है 2023 और जो पहले जो निक्सन आती थी उसमें क्या क्या चेंज किया गया। इस वीडियो में बेसिकली आपको वही बताऊंगा कि पहले वाली निक्सन और नई वाली निक्सन में क्या चेंज किया गया है और दोनों के प्राइस में क्या चेंज किया गया, दोनों का इंजन में क्या है, दोनों का फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल, इंटीरियर, सेफ्टी फीचर्स वगैरह सब कुछ इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर कार की फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो फ्रंट में कुछ ऐसा चेंज किया गया। यहाँ पे आपको इसमें DRL देखने को मिलेंगे, DRL विथ इंडिकेटर का सेटअप दिया गया है और लाइट्स के भी पूरे LED सेटअप्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका टॉप एंड वेरियंट है, इसमें टाटा का लोगो आपको फ्रंट के साइड मिलेगा और इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा जो कि पहले वाले में वेरियंट में नहीं आता था। 360 डिग्री कैमरा इस बार कुछ नया किया गया है टाटा के द्वारा। नेक्सॉन में, हैरियर में तो आता था आपका, सफारी में आती थी, लेकिन नेक्सॉन में पहला बार आ रहा है। और इसमें फ्रंट का जो पूरा है ना ग्रिल वगैरह सब कुछ पूरी चेंज कर दी गई। लाइट्स का सेटअप जो आप देख रहे हैं LED लाइट्स कर दी गई है, 360 डिग्री कैमरा की प्लेसमेंट दी गई है और इसमें जो DRLs है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं जब ये ग्लो कर दे। तो DRLs विद इंडिकेटर का सेटअप सेम ही दिया गया दोनों एक ही में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें जो फॉग लैंप है ना, फॉग लैंप वगैरह कुछ नहीं दिया गया। इसमें दो ही जो LED लाइट्स है, अपर बीम और एक हाई बीम है और एक आपका फॉग लैंप का काम करेगा। इसमें लाइट से कुछ ऐसा सेटअप दिए गए हैं, पहले वाले नेक्सॉन में ऐसा नहीं आता था। पहले वाले नेक्सॉन की कुछ नॉर्मल ऐसे ही आगे की फ्रंट प्रोफाइल थी, लेकिन पहले वाली जो नेक्सॉन थी ना वो थोड़ी मस्कुलर लगती थी। ये वाली थोड़ी सी एक EV टाइप लग रही है, वैसे इसका EV वेरिएंट भी आया है लेकिन ये वाली भी अच्छी लग रही है। इसमें जो DRL का जो सेटअप दिया गया ना आगे के साइड, वो इसमें कनेक्टिंग DRLs आगे के साइड नहीं दिए गए, सिर्फ आपको इंडिकेटर और DRL का सेटअप दिया गया। साइड प्रोफाइल की अगर बात करूँ तो साइड से गाड़ी कुछ ऐसे दिखती है, सेम वही 16 इंचेस के टायर्स जैसे पहले नेक्सॉन में आते थे, इसमें भी 16 इंचेस के ही टायर्स आते हैं, लेकिन इसका जो अलॉयज है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है। वैसे तो पर्सनली मेरे को इसका अलॉयज उतना खास कुछ लगा नहीं, लेकिन टाटा वाले कह रहे हैं कि कुछ नया किया गया। इसमें ओवरबेंस भी चेंज कर दी गई है पहले वाले नेक्सॉन के कंपेयर में। यहाँ पे आपको ओवरबेंस में भी कैमरा एक देखने को मिलेगा जो कि आपकी लेन वगैरह सब कुछ बताएगी। साइड प्रोफाइल से बाकी गाड़ी पूरी सेम है, ओवरबेंस वगैरह चेंज किए गए हैं, रूफ रेल्स वगैरह सेम वही जो पहले नेक्सॉन में आते थे सेम वही रूफ रेल्स। जो चेंज किया गया वो आपको इसके बैक प्रोफाइल में देखने को मिलेगा, बाकी साइड प्रोफाइल से गाड़ी सेम लगती है। इसके अलॉयज वगैरह चेंज किए गए, लेकिन बैक प्रोफाइल के जब रियर प्रोफाइल की तरफ जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको कनेक्टिंग टेल लैम्प का फीचर देखने को मिलेगा जो कि पहले नेक्सॉन में नहीं आता था। LED पूरी लाइट कर दी गई है, टाटा का यहाँ पे लोगो, पीछे के साइड आपको कैमरा और नेक्सॉन की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। इसमें एक और ही जो मेन चेंज किया है वो आप लोग देख सकते हैं, इसमें वाइपर जो है ऊपर के साइड दिए गए, पीछे के जो वाइपर्स के ब्लेड है वो ऊपर के साइड है। रेनी सीजन में जब आप उसे ऑन करेंगे तो वो अपने आप नीचे आ जाएंगे, जैसे आपको रेंज रोवर वगैरह मिलता था, रेंज रोवर वगैरह में सेम वही फीचर आता था। इसमें आपको पीछे के साइड बैकलाइट वगैरह सब कुछ LED दी गई है। और इसमें एक और चेंज किया गया, यहाँ पे आपको जो इसमें जो पीछे के साइड रिफ्लेक्टर आप लोग देख रहे हैं ना, और नीचे के साइड जो पार्किंग सेंसर्स है, और यहाँ पे आप लोग टाटा का जो लोगो है उसके ऊपर एक छोटी सी स्टॉप लैंप दी गई है। स्पॉइलर पे कोई भी इसमें स्टॉप लैंप वगैरह नहीं दिया गया। शार्क फिन एंटीना इसमें ब्लैक कलर का कर दिया गया है इस बार, और स्पॉइलर भी ब्लैक है तो काफ़ी अच्छा रियर का जो प्रोफाइल है काफ़ी अच्छा आ रहा है इस गाड़ी का। तो ये कुछ चेंज किया गया इसके रियर प्रोफाइल में, और गाड़ी का बाकी तो साइड प्रोफाइल सेम ही है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको इंडिकेटर और ओवरबीम्स का जो सेटअप मिलता है वो पहले मिलता है। ब्लेड्स भी इसमें चेंज किए गए, वाइपर के जो ब्लेड्स होते हैं पहले कुछ ऐसे ब्लेड्स नहीं आते थे नेक्सॉन में, इस बार पूरा चेंज किया गया। और फ्रंट से तो गाड़ी पूरी ही चेंज हो गई। एक EV का कॉन्सेप्ट इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि एक EV मतलब EV कार की है, लेकिन इसका नेक्सॉन का फेसलिफ्ट एक EV में भी आया है, उसकी अभी वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी वो नहीं आई है, लॉन्च अभी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं भाई ये जो स्विच दिया गया ना, यहाँ पे आप अपने की को डाल के इसके एयरबैग को ऑन ऑफ करने का, जैसे कि अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी जो 6 एयरबैग इसमें आती है ना, तो सिंगल ट्रैवल कर रहे हो तो इसमें जो 5 एयरबैग्स है उसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और अगर आप सब एयरबैग्स को ऑन रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी वार्निंग है आपको ऊपर के साइड जो इसमें रूफ पे जो लाइट दी गई उसके उसमें आपको इसकी जो है LED इंडिकेटर्स आ जाती है कि आपके एयरबैग्स ऑन है या ऑफ है। कूल ग्लोव बॉक्स यहाँ पे सेम वही दिया गया जैसे कि पहले नेक्सॉन में आता था कूल ग्लोव बॉक्स। अगर कीज़ की बात की जाए ना तो इसमें आपको नेक्सॉन में जो कीज़ आती है वो वही की जाती है जैसे पहले आती थी, कुछ भी चेंज नहीं किया गया। लॉक अनलॉक और आपका लाइट का और बूट का इसमें सेम वही की दिया गया। टाटा की के मामले में काफ़ी पीछे रह गई है, अभी भी वही की लेके चल रही है। भाई नई वाली नेक्सॉन में आपको 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है जिसमें टाटा का लोगो जो ग्लो कर रहा है वो इस पर कुछ नया किया गया, और इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना वो भी पूरी चेंज कर दी गई। AC के कंट्रोल जो इसमें आते थे पहले वाले में आपको बटन से दिए गए थे, लेकिन इस बार स्क्रीन टच दिया गया, पूरा आप टच करके अपना AC वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको CCTV कैमरा वगैरह सब कुछ आता है, जिसके कारण गाड़ी की मतलब इंटीरियर वो काफ़ी अच्छी मतलब आती है, एक प्रीमियम इंटीरियर देखने में लगता है। पहले वाले जो नेक्सॉन आती थी उसमें आपको 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट
सिस्टम आता था, लेकिन इसमें आपको 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है और इसमें आपको 9 स्पीकर्स दिए गए जो कि सब JBL के स्पीकर्स है, क्योंकि टाटा की गाड़ियों में JBL के ही स्पीकर ज़्यादा आते हैं। इसमें आपको नेविगेशन वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगी, आप क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह सब यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो AC का फंक्शन आपको इसमें देखने को मिलता है जो कि पूरी टच है, और यहाँ पर आप नेविगेशन वगैरह सब कुछ इसमें कर सकते हैं। और इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करती है जो कि आपकी वायरलेस है। पहले वाले में वायरलेस नहीं थी, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ है। अगर इसकी MID की बात की जाए तो पहले वाला आपको कुछ ऐसा MID मिलता था, एक बेसिक सा, लेकिन इसमें पूरी MID भी चेंज कर दी गई, पूरी डिजिटल MID इसमें कर दी गई है। और इसका जो ये पैनल है ना स्टीयरिंग पे, जो 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील वाला जो पैनल है वो काफ़ी अच्छा लगता है, उससे इंटीरियर एक मतलब एक अच्छी इंटीरियर आती है। और यहाँ पे आपको इसमें TPMS वगैरह का सब फीचर वगैरह भी इस बार टाटा दे रही है, पहले इसमें फीचर्स ये सब नहीं आते थे। ये अपनी मैनुअल है, पेट्रोल में है, तो मैनुअल में इसमें आपको डेड पैडल वगैरह नहीं मिलते। कुछ ऐसा इंटीरियर आपको इस बार किया गया है टाटा के द्वारा नेक्सॉन में, पहले नेक्सॉन में ये सब नहीं आता था। 9 स्पीकर्स पहले नहीं आते थे, इसमें 9 स्पीकर, और इसमें 6 एयरबैग्स आप किए गए, जिसमें आपको 6 एयरबैग्स में से आप एयरबैग्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। डोर्स आपके सेम वही जो पहले टाटा में नेक्सॉन में आते थे, वही वाले डोर्स, इसमें कुछ भी इसमें चेंज वगैरह नहीं किया गया। और रियर रो में भी आपको सेम वही सेटअप मिलता है, AC के पीछे 2 AC के वेंट्स मिलते हैं, चार्जिंग सॉकेट मिलता है। 5-सीटर कार है तो पीछे वही सेम प्रोफाइल मिलती है जो आपको पहले नेक्सॉन में आती थी, इस बार पीछे के साइड कोई भी चेंज नहीं किया गया। इसमें आपको सिंगल जोनी क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जो पहले नेक्सॉन में मिलता था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेनली जो इसमें चेंज किया गया ना, वो आपकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गई, पहले 7 इंचेस की, अभी 10.25 इंचेस, इसकी MID हो गई, इसका आपको स्टीयरिंग व्हील हो गया जिसपे टाटा का लोगो ग्लो करता हुआ आता है, और पूरी डिजिटल MID इस बार कर दी गई है। और इसके जो MID में जो चेंज किया गया, ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको TPMS वगैरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं जो पहले नहीं आता था। और यहाँ पे आपको पूरी डिजिटल MID है, कोई भी मतलब एनालॉग वगैरह डिस्प्ले नहीं है, यहाँ से आप अपना सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आपके स्टीयरिंग व्हील से, आपके जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, वहाँ से पूरी कार कंट्रोल हो जाती है। पहले जो नेक्सॉन आते थे उसमें सेम वैसा ही सनरूफ आता था जैसे कि इसमें आता है, सेम सनरूफ के कंट्रोल्स वगैरह सब वही दिए गए हैं। इसमें आपको LED लाइट्स वगैरह आते हैं, पहले भी वही सब सेटअप था, बाकी इंटीरियर में कोई भी चेंज नहीं किया गया। मेन जो चेंज मेरे को लगा वही आपकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गई, MID हो गया, स्टीयरिंग व्हील हो गया, और आपके AC के जो कंट्रोल्स हो गए वही सब मेन चेंज किया गया। और यहाँ पे आपको एयरबैग्स की वार्निंग वगैरह आती है कि आपके ऑन है या ऑफ है, और सनरूफ आपको सेम जो पहले टाटा नेक्सॉन में आती थी वही सनरूफ आपको इसमें भी दी गई है। तो ये था भाइयों कुछ ओल्ड नेक्सॉन और नई वाली जो फेसलिफ्ट आई है उसमें एक कंपैरिजन वीडियो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।